ਸਭ ਦੀ ਇਸਤਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਆਂ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾ कानूनी रुख से बात या होर Thank you.
बल्कि इस तरह होया कि हम बहुत सारे एक्टर
फिल्म स्टार बन गए, शशि कपूर लेकिन कैरेक्टर चंगा है, एक तरह का एक काफी गिव एंड टेक है फिल्म का, थिएटर का बड़ा संघना रिश्ता है, यानी वो एक दूसरे नु रीइंफोर्स कर रहे हैं, कट नहीं रहे, कट नहीं रहे। मेरा ये ख्याल सी कि फिल्म इंडस्ट्री शायद किसी तरह थिएटर नु शुरू च इस तरह होया कि फिल्म ने थिएटर नु मार देता कुछ देर वास्ते, 1950 तो लेके 60-65 तक, पर अलकाजी दे आउण नाल और एक थिएटर दी करता कि उसको सुल्तान रजिया नु रजिया सुल्तान कह देता। नहीं जी, मैं देखे कि कई दफा अहले जुबान खुद भी बहुत सारिया जुबान दियां इस तरह दे लहजे उन्होंने इख्तियार किए हुए हैं जेडे बुनियादी तौर ते सही नहीं है।
और मेरा ख्याल है जो बाहर के लोग हैं असि पंजाब के लोग हैं असि अहले जुबान नहीं है असि लोग शायद ज्यादा कॉन्शियस हैं कि लैंग्वेज सीखिए उर्दू तो ज्यादा सही तरीके ना सीखिए टाइटल तो सही दियो त्यागी साहब मैं थानू कुछ होर पासे लेना चाहूंगा कि जिवें तुसी जानदे हो कि पंजाब चाहे पूर्वी पंजाब पश्चिम पंजाब मैं सांझे पंजाब दी हमेशा गल कीती है तो साडे सारयां दी बोली पंजाबी है मां बोली तुसी ये देखा है मैं भी देखा है कि पंजाबी चाहे साडी मां बोली उहदे बावजूद भी साडी राज भाषा नहीं बनी बावजूद भी दफ्तरी जुबान उर्दू है बहुत घट है
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।